ये देखिए स्वागत यहाँ पर लगातार हो रहा है और स्वागत को देखते हुए युवा किस तरह से यहाँ पर युवतियाँ भी आगे आ रही हैं, तमाम चीजें हैं और ये एक बदलाव है यहाँ पर। एक युवाओं के लिए बात करने वाला लड़का अगर आगे आकर बात कर रहा है तो देखिएगा किस तरह से स्वागत। सीधी तस्वीरें अभी सचिवालय से, सचिवालय के सामने से ये तस्वीरें हैं और ये युवा और एकदम बारिश हो रही। यहाँ पर बॉबी पवार गिरे हैं, यहाँ पर बॉबी पवार गिरे हैं, ये देखिएगा सीधी तस्वीरें। दबोचने की पूरी कोशिश, दबाने की तस्वीरें और ये यहाँ पर दबाने की पूरी प्रयास किया जा रहा है बॉबी को। ये बॉबी है यहाँ पर नीचे और तस्वीरें एकदम से बदल गई। सचिवालय कूच करने की बात हो रही थी। 42 सांसदों के बाद मिला हुआ ये राज्य आज चौराहे पे खड़ा है। आज युवा इस हालत में यहाँ पे आया है, इसलिए उत्तराखंड का पूर्ण सैनिक अपने बच्चों के साथ है, अपने युवाओं के साथ है और हम अपनी जान लगा देंगे इनके न्याय के लिए। आज पूरे 23 साल में यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है। हमने से और युवा, एक युवा नीचे गिरा है यहाँ पर, ये युवा एक नीचे गिरा है और ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये चिंता वाली बात है। ये युवा तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सीधी तस्वीरें हैं ये। तबीयत शायद इनकी बिगड़ी है यहाँ पर और ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं और ये युवा ये उठाइए उसको थोड़ा आजू बाजू से। मांगा था हमने इन नौजवानों के भी रास्ते में आ गए और इन नौजवानों के लिए इन बच्चों के लिए हमने राज्य मांगा था, इसलिए गोलियां नहीं खाई हमने, इसलिए लाठियां नहीं खाई। आज हमारा बच्चा सड़कों पर खड़ा है, क्या इसलिए राज्य मांगा था हमने? हमने किसी जात धर्म में नहीं, हमने बेरोजगार नौजवानों के लिए ये राज्य मांगा था। प्रणाम नमस्कार, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बारिश में चलता रहा ताकि मेरे आंसू ना दिखे, वो दर्द ना दिखे मुझे जो आसपास है मेरे, और उसी तरीके का दर्द लेकर आज पोल खोल रैली नाम दी है बेरोजगारों ने और ये तमाम युवा अच्छी खासी बारिश में इकट्ठा होकर आज कुछ सिद्ध करना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि क्या कुछ बीती है अब तक और क्या कुछ हो रहा है, कहाँ तक जाएगी ये रैली आज, क्या विचार है? एक तो बारिश हो गई, देखिए बारिश हुई है लेकिन लोगों का जो बेरोजगारों का जोश है वो कम नहीं हुआ है। आज हमारी रैली में काफी संख्या से चाहे उत्तरकाशी चमोली प्रदेश के अलग अलग कोनों से लोगों को आना था लेकिन किसी कारणवश बारिश हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप भीड़ देख रहे होंगे, बेरोजगारों की भीड़ हो या फिर पत्रकारों की भीड़ हो, सब भीग रहे हैं, चाहे पुलिस वाले हो सब भीग रहे हैं और सिर्फ किसके लिए? ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की जो सरकार है इसकी नाकामियों के लिए। आज ये जो बेरोजगार सड़कों पर आया है इसका मतलब ये है त्रिभुवन भाई कि सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। हम क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि साल 2018 से जो उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी तब से लेकर आज तक की जितनी भी भर्ती है उन सब भर्तियों की वेटिंग लिस्ट जारी करो, उनको ज्वाइनिंग दो। आज देखिए त्रिवेंद्र के कार्यकाल को अब तक लगभग जो है 5 साल भी हो चुके हैं लेकिन इन 5 सालों में अब तक पुष्कर सिंह धामी इन भर्तियों को कम्प्लीट नहीं कर पाए हैं और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये सारी भीड़ यही है कि आप भाई आप करते कुछ और हो, आप कहते हैं कि कभी आप बड़े बड़े प्रोग्राम करा रहे हो आप कि हम जो है लोगों को ज्वाइनिंग दे रहे हैं, बेरोजगारों को इतनी नियुक्तियां दे रहे हैं लेकिन कहां है वो नियुक्तियां? ये बच्चे क्या बारिश में इतने यहां पर आए हैं? क्या ये यहां पर ताली बजाने हैं? ये ताली बजाने थोड़ी हैं, ये अपना हक मांगने आए हैं और हम ये चाहते हैं कि पुष्कर सिंह धामी जो है आज कहां पर है? आज वो लंदन जा रखे हैं, कभी वो दुबई में है आज, लेकिन बेरोजगार आज सड़कों में भीग रहा है। उनकी आप देखो उनकी आंखें नम है लेकिन ये क्यों हो रहा है? ये सच्चाई तो यही है कि उत्तराखंड में आज स्थिति जो है भयंकर हो चुकी है खासकर बेरोजगारों। बिल्कुल एक 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 चीज है, अभी तक इतने पेपर हुए काफी सारे, इन्होंने बीच में वो भी निकाले कि भैया शेड्यूल आ गया है पेपरों का, ये तब होगा लेकिन रिजल्ट अभी भी काफियों के रुके हुए, रिजल्ट रुके हैं। ये आप मांगे अगर आप देखेंगे थोड़ा नजदीक आइएगा, यहाँ पर पुलिस सिपाही भर्ती का, कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा का, वो पुलिस दूरसंचार परीक्षा की, इनकी अभी प्रतीक्षा लिस्ट नहीं हुई है, इनकी अभी अध्यापक प्रवाह
प्रवक्ता एपीएस विधानसभा भर्ती, पुलिस सिपाही भर्ती व पीसीएस। अब आप ये बताइए कि 1 से लेकर 18 तक इतनी मांगे हैं, अब अगर सच्चाई तो ये होती कि 1 से 18 तक अगर ये मांगे पूरी होती तो भाई बेरोजगार आते ही नहीं। लेकिन आपने इतनी सारी भर्तियों का ना तो अभी रिजल्ट जारी किया है, ना आपने इनको नियुक्तियां दी है, ना आपने इनकी वेटिंग निकाली है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? आप जो है 10 लोगों को ज्वाइनिंग देकर एक बड़ा सा करोड़ों का कार्यक्रम आप करा देते हैं। प्रोग्राम होता है, मुख्यमंत्री जी खुद दे रहे होते हैं सारी। अब ये बड़ी बात हो गई है। इस पर एक बार बीच में मैं देख रहा था, मैं बॉबी से बात कर रहा, तो बॉबी पवार का कहना है कि जो काम पहले पोस्टमैन किया करते थे कि घर घर जाकर नियुक्ति पत्र भेजना था, अब वो मुख्यमंत्री जी स्टेज पर कर रहे हैं। वो आज मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और उसमें करोड़ों खर्च कर रहे हैं और ज्वाइनिंग दे रहे हैं 10-15 को। अब आप ये देखिए, पहले तो भाई डाकिया जाता था, डाकिया अपना दे के आ जाता था, लेकिन आज उन्हीं 10-15 लोगों के लिए जो है करोड़ों का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इतनी बारिश के बावजूद भी ये लोग यहाँ पर डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे आए नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर कान में मैल नहीं है, उनके मैल अगर जमा है, तो उसको निकालिए और यहाँ पर ये देखिए कि उत्तराखंड बेरोजगारों की आवाज उनके मुख्यमंत्री कार्यालय तक जा रही है। और दुबई से वापस आए वो जल्द से जल्द। दुबई से वापस आए यहाँ पर और युवा है, जरा भीड़ में अंदर हम थोड़ा जानेंगे, बात करेंगे। आप कहाँ से आए बेटा? हम यहाँ से आए उत्तरकाशी से। कहाँ से? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से आए, बड़ी बारिश में भी आए लगातार। क्या करें, आना पड़ा, मजबूर कर दिया आने के लिए। ये देखिएगा, यहाँ पर एक तिरपाल लेके तमाम युवा खड़े हैं, केवल इसी वजह से कि भैया अगर हमें कुछ चाहिए तो वो रोजगार, जिसकी सीबीआई की मांग की भी बात हो रही है। जी हाँ बिल्कुल, सीबीआई चाहिए। बिना सीबीआई जांच के क्या होगा ये बताइए? जब तक नहीं होगा तो ये करप्शन कैसे खत्म होगा? तो ये चीजें तो चाहिए ही, होनी चाहिए सीबीआई जांच। बिना सीबीआई जांच के कुछ नहीं है। आप कहाँ से आए मैम? सर चमोली से। चमोली से आए। क्या लग रहा है, भीड़, जो बारिश थी, जो प्रोग्राम था, वो तो सब खराब हो गया? सर खराब नहीं हुआ, उत्साह दुगना हो गया इससे कि इतने बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि सीबीआई मांगो, और जितने रिजल्ट पेंडिंग है, जितने बच्चे यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं, उनको उनकी मेहनत का फल मिले। लेकिन यहाँ का जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। सब वो घूम रहे हैं और युवाओं के लिए वो यहाँ पे आए थे, इसलिए वो सीएम बने थे कि वो युवाओं की बात सुन सके। लेकिन लगता नहीं है कि वो युवाओं की कोई बात सुन सकेंगे। लेकिन इस बारिश से हमारा उत्साह तो दुगना हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, तो इससे उत्साह तो दुगना हो गया। इससे ये नहीं पड़ता फर्क कि बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उत्तराखंड का बेरोजगार हमेशा डटा रहेगा जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है सर। क्या बात है, ये देखिएगा, ये चमोली से आती है, चमोली से हमारी मातृशक्ति हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ कर रही है, चाहे वो रेणी गांव का आपको सीन बताओ। आप लोग कहाँ से आए भाई? देहरादून से, चक्रोता से आए। चक्रोता से। चक्रोता के हाल तो बहुत, वाकई बहुत बेहाल है। सबसे नजदीक है जिला आपका? राजधानी क्षेत्र है, लेकिन फिर भी राजधानी लगता नहीं कि राजधानी में रह रहे हैं। उत्तराखंड मतलब देश के लोग बोलते हैं कि देहरादून राजधानी, पहाड़ों में मसूरी, लेकिन देहरादून में इतनी बेकार, मतलब युवाओं के साथ इतना वो, वन दरोगा की भर्ती में वन दरोगा से हूँ, जेई से भी हूँ। 2019 में भर्ती आई थी, 2 बार पेपर दे दिया, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग का कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं ज्वाइनिंग का। जेई की भर्ती कैंसिल हुई, जैसी रैली का आह्वान हुआ उसके बाद तुरंत विज्ञप्ति निकालते हैं ताकि बच्चे रैली में ना आए, ये कहने के लिए कि हम रैली करवा रहे हैं। तार जारी, तार, अरे तार जारी, तार लेके जा रहे हैं। ये बड़े एक्साइटमेंट हो गई है कि बॉबी पवार आए हैं यहाँ पर, तो बॉबी को देखने के लिए ही, और ये तमाम लोगों में उत्साह और बढ़ गया। क्या बात, आज क्या हो गया, बारिश हो गई, सब खराब हो गया? बारिश हो गई, बारिश में पानी भी गिर रहा है, कहीं कुछ हो रहा है जी? जी सर, बारिश हो गई आज? बारिश तो सर होती रहेगी, लेकिन अपनी मांगों से पीछे नहीं हटने वाले हम। बारिश तो हर दिन होनी है, हमें ये सरकार ने बेरोजगार कर दिया है, तो क्या बारिश से डरेंगे हम? 3 साल तक जिस सरकार के लिए काम करा, आज सरकार ने हमें सड़कों पर छोड़ दिया। 100 दिन से आंदोलनरत कोविड कर्मचारी आज सड़कों पर है, 70 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। किसके, क्या हमने कोई गलत काम किया था कोविड में काम करके? अभी तक हमें जो समायोजित नहीं किया, मंत्री जी कह रहे हैं आज कल परसों, पूरा साल हो चुका है, अभी तक समायोजन नहीं मिला है। बारिश आती रहेगी, बर्फ पड़ जाए, लेकिन हम अपना आंदोलन जो है चलाते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये कोविड वाले वो बच्चे हैं, आपने देखा होगा हर दूसरे दिन ये बीमार होते थे, हर दूसरे दिन इनको लेकर जाया जाता था, कभी कोरोनेशन में तो कभी दून अस्पताल में, हमेशा इनकी हालत ऐसी रही जब तक कीटोन कुछ ना कुछ तो इन बच्चों को हो रहा था, और हर दिन की ये कहानी थी। और ये देखिए भीगते हुए बच्चे यहाँ पर, इतनी बारिश में कहाँ आज सब कुछ खराब हो गया। देखिए हमारे कुछ
राज्य आंदोलनकारियों ने हमारे राज्य को बनाने के लिए जो शहादतें दी है उनके हम ऋणी हैं, और आज वो दौर आ चुका है कि उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से मिटाने के लिए चाहे हमारी जान कुर्बान हो जाए, पर लेकिन हम आज डटे हैं। चाहे इतनी बारिश लगी है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप ही ऐसे बारिश में हमारे साथ खड़े हैं और आप हमारी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो भ्रष्टाचार, जो धांधली और जो ये दलाल पले हैं, इनको जड़ से मिटाने के लिए उत्तराखंड बेरोजगार हर पल हर क्षण सबसे आगे है, और ये आवाज हम उठाते रहेंगे। आज चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हम आज जो है रैली कर रहे हैं, सचिवालय को कूच करेंगे, और इतने तमाम दूर दराज से आए हुए सभी भाई बहन, इतनी अभी जनसेला, काफी बच्चे और भी आ रहे हैं और भी ट्रैफिक में फंसे हैं ऐसे बरसात के कारण। ये आंदोलन बारिश का होना भी एक यकीनन इसमें वो हुआ है। जरा बॉबी से बात करने की कोशिश करते हैं, बॉबी का क्या कहना है। ये तमाम यहाँ पर लोग हैं। गोनिया जी, क्या हो रहा है ये? एकदम से बारिश भी आ गई और आज भी युवा सड़कों पर अभी भी। ये माता रानी की, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। अच्छा, और जहाँ तक बोला जाए तो दुर्गा माता ने बॉबी पंवार को एक आशीर्वाद दिया और एक संघर्ष करने की ताकत दी है। धामी सरकार झुकेगा और आने वाले टाइम में भविष्य में जरूर झुकेगा। माता रानी का प्रकोप इसमें जरूर पड़ेगा। माता रानी का प्रकोप जरूर पड़ेगा। बॉबी यहाँ पर है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे थोड़ा सा जी, क्या हाल है बॉबी? लगातार आज बारिश हो गई है बॉबी, और सारी चीजें बस ऐसी रह गई। इधर आ जाओ। देखिए, बारिश हो गई है, परंतु उसके बाद भी इन सभी का हौसला, इन सभी के हौसले आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से। और ये देखिएगा, स्वागत यहाँ पर लगातार हो रहा है, और स्वागत को देखते हुए युवा किस तरह से यहाँ पर युवतियाँ भी आगे आ रही हैं, तमाम चीजें हैं, और ये एक बदलाव है यहाँ पर। एक युवाओं के लिए बात करने वाला लड़का अगर आगे आकर बात कर रहा है तो देखिएगा किस तरह से स्वागत। आज युवाओं की काफी हद तक आश बढ़ गई है, पर लग रहा है बार भरी बारिश में भी एक अच्छी तादाद आई है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही है, सरकारें बड़े बड़े विज्ञापन निकाल रही है कि उत्तराखंड की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है, उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए काम किया जा रहा है, परंतु वास्तविकता ये है ऐसी कड़ाके की ठंड में, ऐसे बारिश में भी लोग यहाँ पर आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि पूरा जो बैनर आपने देखा होगा, 6x4 का बैनर पूरा मांगों से भरा पड़ा हुआ है। तो अगर इतनी मांगे हैं, इतनी लोगों की मांगे, तो सरकार कर क्या रही है? नहीं, ये तो बोल रहे पोस्टर बैनर पे, और मुख्यमंत्री जी के हम कार्यक्रम देख रहे हैं, बड़े बड़े स्टेजों में वो नियुक्ति पत्र दे रहे हैं आजकल। नियुक्ति पत्र की जो बात है वो एक डाकिया करता था, वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वर्तमान में हमारे तमाम मंत्री कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पोस्टर जो लग रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि बेरोजगारों के लिए सब कुछ सही हो रहा है, तो ये बड़ा पोस्टर जो है, ये बड़े पोस्टर इसमें क्यों मांगों से भर गया है? 4-4, 5-5 साल हो गए हैं जिन परीक्षाओं को उनमें नियुक्तियां नहीं दी गई है। जिस प्रतीक्षा सूची वेटिंग लिस्ट के लिए आपने परेड ग्राउंड के मंच से भाषण दिया था कि हम प्रतीक्षा सूची जारी करेंगे, उसके लिए अलग नियमावली बना दी, एकल संवर्ग के पदों पर निकाल, पहले भी निकलती थी, अब आपने उसी के लिए नियमावली। हम चाहते हैं कि आयोगों द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों पर प्रतीक्षा सूची जारी करें। वर्तमान में जो गतिमान भर्तियां हैं, अगर लगभग उसमें प्रतीक्षा सूची निकलती है, कम से कम 600-700 लोगों के घर के चूल्हे जलेंगे। अच्छा, एक चीज है, आज पोल खोल रैली रखा है तुमने, क्या ऐसी कौन सी पोल है जिसको खोलने की बात कर रहे हैं बेरोजगार संघ के लोग, और आप खासकर क्या पोल है जो खुलेगी आज? मुख्यमंत्री ने कहा मुकदमे हट जाएंगे, आज तक नहीं हटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतीक्षा सूची सभी विभागों के सभी परीक्षाओं में जारी होगी, परंतु इन्होंने शासनादेश जो बनाया, नियमावली जो बनाई है, वो उसके हटके हैं। इसके अतिरिक्त इन लोगों ने कहा कि हम सबको नियुक्तियां दे रहे हैं, परंतु ऐसी नियुक्तियां जो 3-3, 4-4 सालों से लटकी हुई है, उन लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा रही है। इन्होंने कहा कि हम 24,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी करेंगे, परंतु वो 24,000 पद कहाँ है? इन लोगों ने कहा कि सरकार यहाँ पर युवाओं को रोजगार देने का तमाम प्रयास कर रही है, परंतु यहाँ बैकडोर एंट्री से भारी प्रदेश के युवाओं को नौकरी दी जा रही है। वो इसलिए उत्तराखंड के युवा से पैसे लेने में थोड़ा शर्म आती है, पैसों लेने में थोड़ा डर लगता है, इसलिए भारी प्रदेश के लोगों को वो नौकरियां दे रहे हैं और बांट रहे हैं। दूसरी बात कह रहे हैं कि परीक्षा में पारदर्शिता लाएंगे, परंतु पारदर्शिता कहाँ से आएगी? आपने सेवाजन कार्यालय और विभाग के बीच
बीच आपने एक पर्याग पोर्टल लाया है और उस पर्याग पोर्टल में आप देख सकते हैं वो एक दलाल है, वो पर्याग पोर्टल विभाग और चयन कार्यालय के बीच का दलाल है जो किसी उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री का है। अच्छा। उस पर्याग पोर्टल से नियुक्ति करेंगे और उसमें भी कोई ये नहीं है कि कोई किसी की मेरिट से लेंगे, पेपर से लेंगे, कुछ नहीं, रेंडमली वहां से उठाएंगे। किसको उठाएंगे? अपने लोगों को उठाएंगे। इसलिए उत्तराखंड के युवाओं को सड़कों पर उतरना जरूरी है। ये बड़ी बात है जो चीजें ये बता रहे हैं। यकीनन आज अगर पोल खुलती है तबला जी भी यहाँ पर आए, आज युवाओं के साथ आए, आज आप बिल्कुल। हम उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन की तरफ से महासचिव रूप में मैं यहाँ पे आया हूँ और ये आंदोलन हमने इसलिए लड़ा था कि हमारे युवाओं को रोजगार मिले। 42 शहादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य आज चौराहे पे खड़ा है। आज युवा इस हालत में यहाँ पे आया है इसलिए उत्तराखंड का पूर्व सैनिक अपने बच्चों के साथ है, अपने युवाओं के साथ है और हम अपनी जान लगा देंगे इनके न्याय के लिए। आज पूरे 23 साल में यहाँ के युवाओं को न्याय संगत भर्ती नहीं मिली है। इसलिए इन राजनीतिक दलों को हमें निश्चित रूप से सबक सिखाना पड़ेगा और युवाओं के जोश को पूर्व सैनिक सलाम करते हैं। जोश तो आपका बहुत गजब लग रहा है आज, युवाओं का जोश तो एक तरफ है, आप बहुत जोश में। मैं किसरे हूँ, मैं रामपुर तिराहे का साक्षी हूँ। मेरे सामने बच्चों ने अपनी जाने दी है पृथक राज्य के लिए और आज इन भेड़ियों ने हमारा राज्य नोच लिया है और हमारे राज्य को बेचने में उतारू हो रखे हैं। इसलिए इन तमाम चीजों को, इन सवालों को लेकर आज सैनिक युवाओं के साथ है और हम हर कदम में इनका साथ देंगे, ये हमारा संकल्प है। आज वाकई लग रहा है कि आप एक 25-30 साल के युवा हैं जो आज युवाओं की बातें कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना मैसेज बड़ा साफ है। बिल्कुल साफ, क्योंकि इस युवाओं की जो आंदोलन चला था जन आंदोलन, उसके पीछे नौकरियां थी। हमारे पास ऐसे खेत खलियान नहीं है जो हम पेट भर सके। आज अग्निवीर के माध्यम से इन्होंने हमारे पीठ में छुरा फोंका है, हमारे युवा आज फौज में भी नहीं जा पा रहे और यहाँ पे नौकरियां बेची जा रही हैं। इसलिए हम लोग दुखी हैं, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, तो हमें शांति कहाँ मिलेगी ये हम सोचते हैं। क्या बात है। और इतनी बारिश, आपको मैं बता दूं यहाँ पर इतनी बारिश हो रही है लगातार, इस भारी बारिश के बाद भी युवा यहाँ पर तमाम आ रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, कोई सिपाही भर्ती को लेकर, कोई तमाम चीजों को लेकर, किस तरह से पोल खोल की बात हो रही है, ये तमाम जो यहाँ पर ये देखिएगा जो तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ये युवा पुलिस सिपाही भर्ती कुछ नहीं हुआ है। नहीं सर, इस बारे में कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब धामी जी ने 15 अगस्त को जबकि घोषणा भी करी थी कि हम लोग वेटिंग लिस्ट देंगे और सबसे ज्यादा वेटिंग लिस्ट अगर आप उठा के देखोगे तो पुलिस में ही है और पुलिस में अभी बहुत सारे पद खाली भी है, सबसे ज्यादा कमी भी उत्तराखंड में पुलिस की है। लेकिन फिर भी पता नहीं सरकार क्या चाहती है कि हमारी वेटिंग लिस्ट की मांग को सुन ही नहीं रही है। वेटिंग लिस्ट की मांगे नहीं सुन रही है, बारिश बहुत ज्यादा है और यकीनन ये एक सबब ये भी है कि भैया कहीं ना कहीं मौसम अब बदलने वाला है, ठंड भी बढ़ेगी आज की बारिश से। और यहाँ पर अगर ट्रांसफार्मर फटा है, थोड़ा जल्दी आइएगा, एक बड़ा विस्फोट यहाँ पर जरूर हुआ है, ट्रांसफार्मर पर बड़ी आग लगने की घटना जैसी आई है, बहुत तेज ब्लास्ट हुआ है। थोड़ा देखें वहां पर आसपास जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है ये यकीनन हो रही है और हर आए दिन हो रही है। यहाँ पर पूरा बड़ा ट्रांसफार्मर एक और ये बहुत तेजी से फटा, आशा करते हैं आसपास कोई नहीं था, लेकिन इसी तरह का करंट लगने से अभी 2-3 दिन पहले ही एक युवा बहुत बुरी तरह से झुलसा है, तमाम भीड़ वहां पर इकट्ठा हो रही है और ये एक ऐसा ही प्रकरण है क्योंकि बारिश होने की वजह से यकीनन जो टेम्परेचर है वो डाउन होता है, तारें आप पर में कोलैप्स होती हैं और करंट पास होता है जिसकी वजह से शायद ये ऐसी छुटबई घटना होती है। लेकिन उसके बाद देखिएगा आप, भरी बारिश का मौसम, तमाम पुलिसकर्मी भी पूरी तरह से अपनी तैयारियों के साथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं कि भैया बारिश होगी, तबीयत आजकल बहुत बिगड़ रही है, वायरल चल रहा है, तमाम चीजें भी हैं, लेकिन उसके बाद भी ये युवाओं का जो आप देख रहे हैं जोश ये कम नहीं हो रहा है भाई, जोश में कोई कमी तो नहीं आ रही है कहीं से? देखिए जोश में कोई कमी नहीं आएगी और हम सभी लड़के तो आपको पता है कि जोश में रहते ही हैं, हमारे साथ महिलाएं हैं,
बालिकाएं हैं जो बेचारे उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग चमोली से भी यहाँ पहुंचे हैं। तो देखिए अच्छी आवाज उठाने के लिए जब युवा जुड़ रहे हैं तो युवाओं की एक ही आवाज है कि उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को मुक्त करना है। भर्ती परीक्षाओं में जितनी धांधलियां हुई है उन सभी भर्ती परीक्षाओं की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उत्तराखंड बेरोजगार संघ धरना स्थल एक बिहार में 228 दिन से बैठे हैं धरने पर, परंतु अभी तक उत्तराखंड सरकार का एक भी मुखिया अभी तक हमारे स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, ना हमारे भविष्य के प्रति कुछ भी है, हमारे प्रति कोई भी भाईचारा, इंसानियत कोई नाम की चीज ही नहीं रही। तो मैं उत्तराखंड सरकार से यही निवेदन करता हूँ कि आप हमें आतंकवादी मत सोचिए, हम राज्य को सुधारने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम सही बात। एक और चीज बड़ी बात है जो भाई ने बोला है, आज अगर कुछ भी चीजें ठीक होती हैं, चाहे वो परीक्षाओं को लेकर बैकलॉग की बात हो रही है, नियुक्तियों की बात हो रही है, तमाम चीजें, ये केवल इनके लिए अच्छा नहीं होगा, जो आने वाला युवा है जो अभी कॉलेज में है या स्कूल में है, जब वो वापस बाद में बड़ा होगा वो कम से कम ये जरूर कहेगा कि हाँ यार तुम मुझे कुछ छोड़ के गए हो यहाँ पर, है एक अच्छी व्यवस्था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी एक ही सोच है कि जो हमारा तो चलो ये समय जा ही रहा है, जैसे भी जा रहा है, हम भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए अपना जो जीवन दान कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य के लिए, पर लेकिन हमारे जो आने वाले भाई बंद है उनके भविष्य को सुधारने के लिए हम इस राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं कि जो हमारा राज्य देवभूमि के नाम से जाना जाता है उसमें ना किसी प्रकार कोई गुंडाराज हो, ना कोई धांधली हो, ना कोई भ्रष्टाचार हो, ना कोई किसी प्रकार का कोई आतंकवादी घुसे इस राज्य में। हम चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड हरी भरियाली वादियों से सुरक्षित रहे, शुद्ध वातावरण मिले, किसी प्रकार का कोई यहाँ पर गुंडागर्दी का राज नहीं चलने देंगे। हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए चाहे हमें जान भी कुर्बान करनी पड़े पर लेकिन उत्तराखंड राज्य को बदनाम नहीं होने देंगे। ये युवा है आज का, बारिश में भीग भी रहा है, परेशान भी लग रहे होंगे, कहाँ जा रही है ये कहानी, जिनको सुनना है वो तो सुन ही नहीं पा रहे। बिल्कुल, 20 साल पहले उत्तराखंड का जो ख्वाब देखा था उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद, तो जब हमारे पहाड़ों के युवक और जो हमारे पूरे उत्तराखंड के युवक ने हमारे श्रीनगर गए थे सिर्फ रोजगार के मुद्दे पे गए थे, आज 20 साल बाद लगता है कि वो कहीं ना कहीं ऐसा मुद्दा हमारा जो सपना था उत्तराखंड का वो धूमिल हो चुका है। और इस प्रदेश के अंदर जहाँ पे सिर्फ नौकरी ही एक रोजगार है और उसके अलावा कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई ऐसी सेक्टर नहीं है जिसमें कि मतलब जो हमारा पहाड़ का युवा और पूरा पहाड़ का नहीं पूरा, ये एक बहुत बड़ी बात कही है। और अब तक हमारे बच्चे जो है वो सेना में भी जाते थे, तो थोड़ा सा ये जब से अग्निवीर शुरू हुआ है उसमें भी थोड़ा सा कमी आई और तमाम चीजें हैं। बिल्कुल सही कहा है। अग्निवीर के बारे में आपको एक बात, मैंने अभी एक सर्वे पढ़ा था कि उत्तराखंड से 147 लोग मेरे ख्याल से 1 मिलियन में जाते हैं जो आर्मी में जाते हैं, और गुजरात से सिर्फ 16 लोग जाते हैं। तो मैंने भाजपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के, उन्होंने एक बात कही कि क्योंकि इकोनॉमिक सेंस को देखते हुए, इकोनॉमिक जो हमारी वैल्यू है जो पेंशन में और जो खर्चा हो रहा है उसमें, तो उसको देखते हुए ये कम करना पड़ रहा है। तो मैं बोलूंगा कि आप ये क्यों देख रहे हो, आप गुजरात में क्या टैक्स बढ़ा दो, टैक्स में क्या प्रॉब्लम है, आपको टैक्स को स्लैब के ऊपर बढ़ाओ ना, आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमारा उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे आज भी पहाड़ों के अंदर आज भी इतने लोग है जो कि उनकी पेंशन से काम चलता है। हमारी जो इकोनॉमी है उत्तराखंड की वो आउटसोर्स होती है भारत बाहर जाके, हमारे लोग बाहर काम करते हैं और फिर यहाँ पैसा भेजते हैं, तब जाकर यहाँ उत्तराखंड के अंदर लोग ही रोजी रोटी चलती है, उनका परिवार चलता है, चूल्हा चलता है। और कितनी बड़ी कहानी है ये, मुझे ये तस्वीरें भी बहुत अच्छी लग रही है अभी, क्योंकि ये युवा है जो बोल रहा है और उत्तराखंड के लिए यकीनन अगर युवा इस तरह से सोचने लग जाए तो आने वाले समय में चीजें बहुत अच्छी होंगी। एक और तस्वीर में मैं आपको दिखाता हूँ, ये भाई साहब मुझे बहुत बार मिलते हैं और हर बार दिखते हैं ये मुझे, थोड़ा हम चाहेंगे छाता थोड़ा कवर कर लो, ये देखिएगा आप, आज आप फिर आगे युवाओं के साथ आगे, ये है जो इन्होंने राज्य के लिए आंदोलन किया था कभी, है जी, राज्य इन्हीं के लिए मांगा था हमने, इन नौजवानों के भी रास्ते भी आगे और इन नौजवानों के लिए, इन बच्चों के लिए हमने राज्य मांगा था, इसलिए गोलियां नहीं खाई हमने, इसलिए लाठियां नहीं खाई, आज हमारा बच्चा सड़कों पर खड़ा है, क्या इसलिए राज्य मांगा था हमने? हमने किसी जात धर्म में नहीं, हमने बेरोजगार नौजवानों के लिए ये राज्य मांगा था। आज दुख हो रहा है दिल के अंदर कि आज हमारा नौजवान खड़ा है। नहीं, आप यकीनन कई बार ऐसे तो रोते भी होंगे कि क्या हो गया, दुख हो रहा है दिल के अंदर, दुख हो रहा है। मेरा बेटा पढ़ा लिखा सड़क में खड़ा है, रोजगार के लिए खड़ा है, क्या इस हमने भौगोलिक ग्रांतिक आर्थिक आधार पर हमने राज्य मांगा? ये राज्य हमने अपने हमने आने वाली पीढ़ी के लिए मांगा था। लेकिन आज दुख हो रहा है कि आज हमारा नौजवान बारिश में खड़ा है,
और बारिश में खड़े होकर के इनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। 22 साल हो गए इस राज्य को बने हुए और इन 22 सालों के साथ ये हमारा बेटा खड़ा है। इसने ये बड़ी बात है और जो ये कह रहे हैं आप यकीन मानिएगा, इनका इनका आप शरीर देखिए, इनकी अवस्था देखिए और उसके बाद भी इस तरह से सामने आना, वाकई आप बहुत, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, नमन है ऐसे। आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी आवाज उठा रहे हैं। आप पत्रकार स्तंभ है हमारा, एक चौथा स्तंभ है आप। बिल्कुल, आप जैसे अगर हमारे साथ लोग, एक बार फिर से यहाँ से आखिरी में कुछ तस्वीरें आपको दिखा दूँ, ये देखिएगा भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने हैं। थोड़ी ही देर में यहाँ से सचिवालय कुछ हो पाएगा या नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न है, उससे आपको जोड़े चलेंगे कुछ एक झलकियाँ आपको और उसके बाद फिर मिलेंगे आपको सचिवालय पे। तस्वीर है एक बार फिर से यहाँ पर पोल खोल रैली को लेकर युवा आगे अग्रसर हो रहे हैं सचिवालय कूच के लिए। क्या ये कर पाएंगे वो एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि सामने अगर आप देखेंगे तो बड़ी बैरिकेडिंग पुलिस की भी लगाई हुई है। भारत का झंडा हाथ में लिए हुए ये युवा देहरादून में, भरी बारिश और बहुत ठंड का माहौल अभी, लेकिन युवाओं के अंदर आग प्रॉपर है और इस अग्नि के बाद ही ये तमाम लोग अभी बिल्कुल अपना मूड बना चुके हैं कि हमें सचिवालय कूच करना है। और सचिवालय कूच के लिए आगे युवा देखिएगा भारत का झंडा लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं और लगातार अपनी बातों को रखने के लिए ये युवा आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर बॉबी पवार इनके अध्यक्षता करते हुए ये तमाम युवा, आज भारी बारिश की वजह से आवाहन बहुत बड़ा था, कहा जा रहा था कि 1000 से 2000 युवा इसमें शामिल होंगे, बारिश की वजह से थोड़ा सा विलंब और मेरे ख्याल से कुछ लोग नहीं आ पाए यहाँ तक, लेकिन जितने भी लोग युवा आए हैं इनमें जोश पूरा है और पूरे जोश के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें मैं आपको अगर दिखाऊं, सामने देखिएगा पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है और बड़ी एक बैरिकेडिंग ये, और इसके बीच में ये तमाम तस्वीरें आपको यहाँ से दिखा रहे हैं हम सचिवालय के ठीक सामने से। ये युवा अपनी रैली को आगे बढ़ाते हुए अपने जोश में इनके कोई कमी नहीं और वो जोश को पूरी तरह से बरकरार रखते हुए युवा आगे बढ़ रहे हैं। और अभी बिल्कुल इसके सामने हम, और ये युवा ये देखिएगा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए आपको तस्वीरें दिखाते चलेंगे। और क्या ये युवा पहुंच पाएंगे, भारत का झंडा लिए हुए ये तमाम युवा इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं वो अपने आप में एक कहानी है। और इन तस्वीरों को साझा करने के लिए आपके साथ हम अभी सचिवालय की तरफ बढ़ रहे हैं इन युवाओं के साथ। और ये युवा बहुत देर से संघर्षरत हैं, काफी समय से सीबीआई की मांग भी इन्होंने की थी तमाम पेपरों को लेकर। और पोल खोल रैली के बारे में जब हमने बात की थी बॉबी से तो बॉबी ने बताया था कि क्यों इसका नाम पोल खोल रैली इन्होंने दिया है, क्योंकि काफी सारी पोलें हैं जो सरकार की इन्होंने खोलनी है उसके लिए तमाम युवा। आप लोग कहाँ से आए भाई? मैं यहीं से देहरादून से हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है आज? आज ये बच्चों के बारे में है, बच्चे देखो कैसे दर दर के ठोकर खा रहे हैं। क्या पुष्कर सिंह धामी को इतना होश नहीं है कि हमारे बच्चे हैं? क्या उनके बच्चे नहीं थे? वो एक समय भी अपने आप बच्चा नहीं था, उसने भी ऐसे देखा होगा, ऐसे हालत में वो भी गुजरा होगा। जो आज वो बच्चों को ऐसी बारिश में दर दर के ठोकर खा रहे, जगह जगह बाहर वालों ने अतिक्रमण। आगे की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, थोड़ा वहाँ पर जरा गर्मा गर्मी सी हो गई है, माहौल थोड़ा सा ऐसा है, धक्का मुक्की हो रही है। ये देखिएगा ये वो युवा जो आगे बढ़ना चाह रहे थे, और तस्वीरें मैं आपको दिखाता चलूं यहाँ पर, ये देखिएगा सीधी तस्वीरें अभी सचिवालय से, सचिवालय के सामने से ये तस्वीरें हैं। और ये युवा और एकदम बारिश छोड़ दी, यहाँ पर बॉबी पवार गिरे हैं, यहाँ पर बॉबी पवार गिरे हैं, ये देखिएगा सीधी तस्वीरें, दबोचने की पूरी कोशिश, दबाने की तस्वीरें, और ये यहाँ पर दबाने की पूरे प्रयास किया जा रहा है बॉबी को। ये बॉबी है यहाँ पर नीचे, और तस्वीरें एकदम से बदल गई, सचिवालय कूच करने की बात हो रही थी, और यहाँ पर ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल एकदम से ये तस्वीरें कुछ इस तरह से, यहाँ पर युवा तमाम इनको धक्का देकर बाहर निकाला जा रहा है, और लगातार यहाँ पर ये देखिएगा कहीं ना कहीं, और ये तमाम तस्वीरें ये देखिएगा, और यहाँ पर ये देखिएगा बड़ी जोर जोरों से
बड़ा जोर लगाया जा रहा है यहाँ पर बॉबी और उनके साथियों को खदेड़ने के लिए। ये तमाम तस्वीरें अभी सचिवालय के ठीक सामने से आप देख रहे हैं, सचिवालय के ठीक सामने से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं। क्या इनको कूच करने दिया जाएगा वो एक बड़ा प्रश्न है, और जिस तरह से इनको खींचा जा रहा है वो भी एक तस्वीर है अपने आप में। बातें बड़ी स्पष्ट हैं, और ये देखिएगा ये युवा लगातार प्रयासरत आगे बढ़ने के लिए, साथ के साथ पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद। और बारिश बहुत जमाजम हो रही है, बहुत अधिक बारिश, उसके उपरांत भी ये तस्वीरें, ये देखिएगा किस तरह से युवा आगे बढ़ने की प्रयास पूरा कर रहे हैं। सचिवालय के ठीक सामने की ये तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं अभी, सचिवालय के सामने की ये तस्वीरें, ये देखिएगा आप किस तरह से ये तस्वीरें दिख रही हैं। यहाँ पर युवा एक तरफ आगे बढ़ना चाहता है लेकिन पुलिस प्रशासन मुस्तैद, लगातार धक्का मुक्की। थोड़ी देर पहले हमने देखा था वो भी कहीं गिरे भी थे यहाँ पर, और ये तस्वीरें आप स्पष्ट अभी देख पा रहे होंगे, बिल्कुल सचिवालय के ठीक सामने ये तस्वीरें कुछ इस तरह से। आप जहाँ पर हैं वहाँ पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए बस, ये देखिएगा सभी लोग बैठ जाइए कृपया करके थोड़ी देर के लिए। ये तस्वीरें यकीनन किस तरह से युवा संघर्ष कर रहा है, किस तरह से संघर्ष कर रहा है युवा, ये सीधी तस्वीरें हैं यहाँ पर, ये देखिएगा अच्छी खासी धक्का मुक्की और अच्छी खासी चीजें हुई है यहाँ पर। और ये तस्वीरें यकीनन, ये देखिएगा किस तरह से तस्वीरें हैं, युवा आगे, युवा का जोश ये देखिएगा आप किस तरह से ये जोश है, और ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं है। ये तस्वीरें अभी सचिवालय के ठीक सामने से, तस्वीरें देखिएगा आप बिल्कुल ठीक सामने थे, और ये तमाम युवा, ये देखिएगा एक बड़ी 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 यहाँ पर धक्का मुक्की हो रही है, और यहाँ भी कुछ तस्वीरें हैं, हर जगह एक ही तस्वीर, हर जगह एक ही तरह की तस्वीरें ये दिख रही हैं। ये युवा बिल्कुल से भीड़, और ये देखिएगा यहाँ पर भगदड़ का माहौल है, अच्छी खासी धक्का मुक्की सचिवालय को लेकर कूच करने के लिए। ये युवा निकले थे आगे, और किस तरह से यहाँ पर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं वो एक बड़ी बात है। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सीधी अभी तस्वीरें सचिवालय के सामने से, और युवा, एक युवा नीचे गिरा है यहाँ पर, ये युवा एक नीचे गिरा है, और ये तस्वीरें देखिएगा आप, ये चिंता वाली बात है। ये युवा तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, सीधी तस्वीरें हैं ये, तबीयत शायद इनकी बिगड़ी है यहाँ पर। और ये तस्वीरें आप देखिएगा किस तरह से यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, और ये युवा, ये उठाइए उसको थोड़ा थोड़ा आजू बाजू से, और ये देखिए धक्का मुक्की लगातार यहाँ पर हो रही है, और ये देखिएगा ये युवा और सच इनको आगे नहीं जाने दिया जा दिख रही है। ये यकीनन युवा रोजगार मांगने के लिए अपनी बातों को लेकर, ये तस्वीरें स्पष्ट, तबीयत ठीक नहीं है, ऑटो में बिठा लो इसको, उठा लो भाई पानी, उठा लो पानी मत दो, पानी मत दो, पर उठा लो, गाड़ी में ले लो, गाड़ी में डाल दो। तस्वीरें यकीनन चौंका देने वाली हैं। ये युवा की तबीयत यहाँ पर बिगड़ी, इसको
इसको ले जा रहे हैं और गाड़ी में इसको डालेंगे, अभी गाड़ी में यहाँ से लेकर जाएंगे। ये तस्वीरें युवाओं की और किस तरह से चीजें, ये देखिएगा, विचलित करने वाली ये तस्वीर जरूर है। किस तरह से युवाओं की तबीयत यहाँ पर बिगड़ी है। सचिवालय के ठीक सामने कोच हो रहा था कोच के बाद, और उसके उपरांत ये तस्वीरें यहाँ पर। इसमें बिठा दो, मेरी गाड़ी में बिठा दो, ये रही सामने, ओ इधर लाओ, इधर इसमें बिठा दो, ये हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। इसमें डाल दो, इसमें डाल दो, इसके धनी इसके शीशे खोलो, शीशे खोल दो सारे, सुनो बैटरी पानी, पानी बैटरी ऑन करके सारे शीशे खोल दे। लेट के मत मिला यार, हाँ बैठा के गाड़ी ऑन कर, हीटर ऑन कर, और ऑन कर, ऑन कर, ऑन कर, हीटर ऑन कर, हीटर ऑन कर, ठंडा लगा, ठंडा पूरा भीग गया, ज्यादा ठंड की वजह से होगी। तो गाड़ी ऑन कर, हीटर चल, भाई तबीयत ठीक है, डॉक्टर की बात तो नहीं करना है, मैं हीटर ऑन कर रहा हूँ। मैंने हीटर चलाया, हीटर भी है, तबीयत ठीक है ना, है पक्का ना विजय भाई, देखना जरा है, हीटर चला रखा है भाई। ये तस्वीरें ये देखिएगा, इस तरह से तबीयत यहाँ पर खराब हुई है, और ये तमाम युवा तो कुछ देर के लिए आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा। ये तमाम युवा ये देखिएगा अभी भी अपनी मांगों को लेकर अपनी बात कर रहे हैं, बात रख रहे हैं अपनी। तो दोस्तों आवाज जोश जुनून बरकरार रहना चाहिए, उसके बाद भी ये तमाम युवा ये देखिएगा यहाँ पर बैठे हुए हैं, और आज वीडियो में आप जानते हैं आज वो दुबई में है, आज बेरोजगार यहाँ पर भारी बारिश के, ये देखिएगा आप तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो मैं नारेबाजी करने जा रहा हूँ वो आवाज दुबई में बैठे पुष्कर सिंह धामी के कानों तक जानी चाहिए, इतनी तेज आपकी आवाज आनी चाहिए। पुष्कर धामी मुर्दाबाद, ये वो आवाज नहीं है, ये वो 16 बिंदुओं की आवाज नहीं है, आवाज जोरदार होनी चाहिए। नहीं देखिए, आगे जाने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जिसमें हमारे कुछ साथी घायल भी हुए हैं, पुलिस की झड़प में हमारे साथी घायल हुए हैं, परंतु यहाँ पर बैरिकेडिंग करके उन्हें रोका गया, परंतु हम यहीं पर बैठे हैं अपनी उन मांगों को लेकर जो मांगे हमारी लंबे समय से चलती है। कब तक बैठेंगे? अभी बैठेंगे, अभी पोल खोल रैली अगर दिया है तो कुछ पोल हम खोलेंगे, कुछ चीजें जो सरकार की कथनी और करनी में अंतर है उन्हें हम यहाँ पर रखेंगे। सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, परंतु अखबारों में और जो दूसरा मीडिया है जिसे खरीदा गया है सरकार, उसमें जो चीजें दिखाई जाती है वो नहीं है, वास्तविकता कुछ और है। चलिए आवाज भी बैठ गई है यहाँ पर बॉबी की और तमाम साथियों की, देखिएगा तस्वीरें ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो गाड़ी पीछे जिसमें कि जो युवा जो घायल हुआ है उसको रखा गया है, और ये तमाम तस्वीरें देखिएगा अभी किस तरह से ये चीजें हो रही है, ये आपको दिख रहा होगा, सीधी तस्वीरें हैं ये यहाँ पर, और क्या कुछ होगा यहाँ से आगे वो एक बड़ा प्रश्न है, क्या इनको कूच करने दिया जाएगा अभी भी वो हम नहीं जानते, लेकिन जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं कि तस्वीर में तबीयत भी बिगड़ी है, युवाओं की आवाज भी बंद हुई है, और क्या ये पहुंच पाएंगे वो एक बड़ी बात है। आज की रैली होगी, लेकिन दोस्तों किसे क्या पता था कि आज बारिश होगी, लेकिन बारिश के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए, इसे हम क्या समझे, इसे